छोटा मोटा जो सेटअप मैं अपना बना रहा था वो रेडी हो चुका है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। हेलो इंडियन फैमिली एंड एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज के ब्लॉग में मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो बनाने वाला हूं, जो कि बहुत कम बजट में बनाने वाला हूं। कितना खर्चा आने वाला सभी कुछ मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा, बट यूट्यूब स्टूडियो बनाने के लिए चाहिए क्या क्या होगा वो मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड आप लोग को दो लाइटें ये वाली चाहिए होंगी, जो कि मैं खोल के आपको दिखाता हूं। तो ये देखो, ये डीसी लाइट होगी, ये चाहिए होगी, एंड इसमें भी यही लाइट है। तो दो लाइटें ये वाली चाहिए होंगी, एंड ये आप लोग को ग्रीन स्क्रीन भी चाहिए होगी, जो कि यूट्यूब स्टूडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। एंड वहीं पर आप लोग को ब्लैक स्क्रीन भी चाहिए होगी, जो कि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। एंड इसके साथ आप लोग को भाई जी ट्राइपॉड तो चाहिए। बिना ट्राइपॉड के आप लोग का स्टूडियो जो है वो थोड़ा सा अधूरा टाइप का लगेगा। तो ये ट्राइपॉड, एंड आपको ये तार ठोकने वाली जो बुलियां है ये भी चाहिए होंगी, ठीक है। इनका भी स्पेशल काम रहेगा स्टूडियो बनाने में। तो गाइस चलो, अपने कहने सेटअप तो है, और चलिए जल्दी जल्दी जो है कम से कम बजट में अपना यूट्यूब स्टूडियो बनाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस चलो अभी आप लोग को वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पर मेरा स्टूडियो बनेगा। मतलब कि सारा सेटअप तो है, बट जगह तो होना जरूरी है ना। तो गाइस देखो, ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपना सेटअप बनाऊंगा। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे, ऊपर टीन वगैरह है और नीचे जो है दीवार है जिसपे प्लास्टर वगैरह अभी कुछ भी नहीं है। और इधर साइड में मतलब कि थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है घर का, और इधर अपनी लाइट जल रही है, दो डीजे रखे हैं। तो इधर से तो कोई मतलब हमें है नहीं, बाकी ये दीवार और ये वाली दीवार, दो दीवारें कवर करने वाले हम लोग, और यहीं पे अपना जो सेटअप बनाएंगे। अभी बुरा लग रहा होगा गाइस, बट कोई नहीं, थोड़ा सबर करो, अभी दिखाएंगे आप लोग को यहाँ पर पूरा सेटअप अपना बना करके कैसा लगेगा। फाइनली फ्रेंड यहाँ पर अभी ग्रीन स्क्रीन एंड ब्लैक स्क्रीन लग चुकी है, और अभी लाइटें लगाएंगे। लाइटें यहाँ पर सामने जल रही हैं, तो इन दोनों लाइटों को लगाएंगे और ट्राइपॉड को सेट करेंगे। उसके बाद थोड़ा हम लोग का स्टूडियो कंप्लीट होने वाला है, रुको थोड़ा वेट करो। तो गाइस यहाँ पर मैंने छोटा मोटा जो सेटअप मैं अपना बना रहा था वो रेडी हो चुका है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पीछे देख रहे हो, पीछे भाई बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कैमरा मैंने लगा रखा है, मतलब कि फोन, और इसको जो यहाँ पर ये ट्राइपॉड है अपना, मतलब कि ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर एक लगा रखी है हम लोगों ने लाइट, जो कि डीसी लाइट है, मैंने पहले बोला है आपसे, और ये डायरेक्ट मुंह पे फोकस मारती है। और एक ऊपर हमने लाइट लगा रखी है, ये भी सेम डीसी लाइट है, जो कि ऊपर से कवर कर रही है। और साइड में मैंने ब्लैक स्क्रीन लगा रखी है, ताकि मैं इंस्टाग्राम की वीडियो बनाऊं रील्स वगैरह तो ब्लैक पर्दे पे, एंड अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊं तो यहाँ पर ग्रीन पर्दे पे। तो इस टाइप से मैंने ये सेटअप तैयार करा है। तो एक बार मैं आपको पूरा सेटअप भी दिखा देता हूँ, इस टाइप से मैंने बनाया है, थोड़ा कम से कम बजट में मैंने यहाँ पर ये बनाया है। अम्मी भी आ गई है देखने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये मैं बता दूं, जमन को समझा रहा है क्या करो क्या ना करो। ओए जमन, क्या समझा रहा? पता नहीं क्या समझाता रहता है। तो ये मतलब कि कम से कम बजट में बनाया है, और अब मैं बता दूं उसका खर्चा कितना आया है। भाई आप बताओ कितना खर्चा आया? 499 रुपए में ये इतना सेटअप बन पाया है। 100 रुपीज की ग्रीन वाली स्क्रीन है, और 100 रुपीज की ब्लैक वाली स्क्रीन है, और यहाँ पर ये 100 रुपीज की ये लाइट भी मिल जाएगी कहीं भी मार्केट में आप लोग लोगे, और 100 रुपीज की ये वाली लाइट भी आप लोग को कहीं ना कहीं मार्केट में मिल जाएगी। और बच्चे गाइस 99 रुपए का क्या हो, ये जो तार वार लगा है और जो बुलियां वगैरह लगी है, ये चीज जिससे मैंने स्क्रीन वगैरह को ठोका है, मतलब की जमाया है, तो ये सब कुछ मिलाकर 99 रुपए का होता है। टोटल मतलब की 499 रुपए का ये मेरा सेटअप बना है। तो गाइस अगर आप लोग छोटे मोटे यूट्यूबर हो तो गाइस यार 499 रुपए लगेंगे, आप लोग भी ऐसा सेटअप बना सकते हो अगर आपका बजट कम है तो, ठीक है। और बाकी गाइस मैं आपको बता दूं, आज मैं दिन भर इसी में ही लगा रहा, तो कोई भी ब्लॉग मेरा आज नहीं आ पाया, तो उसके लिए सॉरी। बाकी रेगुलर आप लोग को ब्लॉग देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज फ्रेंड इस वीडियो का लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।